हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। जैसे कि मैं पेशे से एक वकील और एक पॉल साइंस का टीचर हूं, तो अभी जो COVID-19 से हम परेशान हैं, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जो मुझसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और जनरल पब्लिक के लिए भी ये वीडियो है जिसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है, मतलब कास्ट और इंडियन पॉलिटिक्स में क्या संबंध है या रोल ऑफ द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा, कास्ट जो शब्द है वो पुर्तगीज शब्द है, पुर्तगीज मतलब पुर्तगाल के लोगों ने ये शब्द पहले यूज़ किया था, जिसका मतलब होता है जाति। भारत में जो जाति प्रथा है, जो जाति सिस्टम है, वो आज से शुरू नहीं हुई है, वैदिक काल से चलते आ रहा है, जिसका नाम था वर्ण। वर्ण क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्रज, ये चार भाग काम के आधार पर बांटे गए थे। जो टीचिंग करता है वो ब्राह्मण, जो युद्ध में लड़ता है वो क्षत्रिय, जो व्यापार करता है वो वैश्याज, और जो मवेशी चराता है, लाश जलाता है, उनको रखा गया शूद्र। तो ये चारों वर्ण जो थे वो इनके काम के आधार पर रखा गया, लेकिन समय गुजरता गया और इन गुजरते हुए समय के साथ अब ये अटैच्ड हो गया कि जिसका बच्चा जिस जाति में पैदा होगा वो उस जाति का। अगर ब्राह्मण का बेटा कितना भी मूर्ख हो वो पंडित जी, और शूद्र का बेटा कितना भी होशियार हो लेकिन उसे शूद्र ही समझा जाता था, मतलब वो उस काम के लिए बना है। लेकिन ये वाली बात आज ये लागू नहीं होती बहुत हद तक, लेकिन बहुत हद तक होती भी है। अब हम आज इसके बारे में ही जानेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने हायरार्की बताई, ये हायरार्की प्योरिटी और पॉल्यूशन के ऊपर है। मतलब कहा जाता था, जो ब्राह्मणों ने स्टार्ट किया, कहा जाता था कि ऊपर वाला जो वर्ण है, मतलब जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, ये प्योर है, वैश्याज तक प्योर हैं, लेकिन शूद्र इम्प्योर है, मतलब उनको भगवान ने अपने हाथों से नहीं बनाया। ऐसा बहुत सारे मिथ थे जो कि माने जा रहे थे और जो कि प्रेवलेंट थे। तो जो पावर था वो हमेशा अपर कास्ट इंजॉय करता था। मतलब जब आज़ादी मिली तो ऑब्वियसली हर गांव का जो मुखिया था, जो मुख्यमंत्री थे, वो कोई बैकवर्ड कास्ट से आने वाले लोग नहीं थे, वो अपर कास्ट के लोग थे। एक एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे, जो कि एक राजपूत, मतलब टाइटल सिंह था। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आज़ादी मिली थी तब अग्रिम जाति वाले ही शासन में थे, लेकिन इसके वजह से जो पिछड़ी जाति के थे, मतलब जो शूद्र कैटेगरी में रखे गए या हरिजन कैटेगरी में रखे गए, वो तो पीछे छूट गए और वो कभी भी सत्ता तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, जिनके लिए संविधान में रिजर्वेशन वाली पॉलिसी बनाई गई ताकि वो भी उस गद्दी तक, उस पैरेलल आ सके, मतलब दोनों समानांतर, मतलब उसके पास भी पावर पहुंचे। जैसे जब आज़ादी मिली तो लैंड रिफॉर्म्स किया गया, एडल्ट फ्रेंचाइजी लाई गई और पंचायती राज सिस्टम लाई गई। तो लैंड रिफॉर्म्स में जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके हाथों से ज़मीन लेके जो छोटे छोटे काम करने वाले मजदूर थे, वो चाहे किसी भी जाति से हों, उन सबके पास पहुंचा। तो इस प्रकार से सबके पास थोड़े थोड़े पावर पहुंचे, थोड़ा थोड़ा लोगों के हाथ मजबूत हुए। अच्छा, इसके साथ ही अब पॉलिटिकल पार्टी, पंचायत, मशीन, मतलब अब धीरे धीरे लोगों के पास पावर बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों के पास वोटिंग अधिकार था, रिजर्वेशन की पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई थी। तो अब जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको लगा कि ये जो पिछड़े जातियां हैं, अगर इनको हम अपने में मिला लें या अपने साथ लेके आएं, तो हम ज़्यादा दिन तक सत्ता चला पाएंगे और ज़्यादा दिन तक सत्ता कर पाएंगे, मतलब सत्ता में रह पाएंगे, सॉरी। अब जो शक्ति थी, मतलब जो पावर था, वो वेल टू डू जो कास्ट थे, मतलब जो अपर कास्ट में आते हैं, उनसे अब धीरे धीरे ये लोअर कास्ट की तरफ जाने लगा और पावर धीरे धीरे बैकवर्ड्स के पास भी पहुंचने लगे। मतलब जो पिछड़ी जाति के लोग थे वो भी धीरे धीरे पावर में आने लगे। मतलब आज आप पूरे भारत भ्रमण करेंगे और घूमेंगे
तो देखेंगे कि अब रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब अलग अलग क्षेत्र जो है वो रिजर्व्ड है, एससी एसटी ओबीसी। मतलब आज मौका मिलता है कि किसी एक पिछड़ी जाति का इंसान भी आके वहाँ का मुखिया, प्रधान, एमपी, एमएलए या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वहाँ तक पहुँच सकता है। एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति भी हर जगह तक पहुँचा जा सकता है। और इस रिजर्वेशन ने हर एक जाति को एक आइडेंटिटी दे दी। इस आइडेंटिटी के कारण जो जिस जाति का होता था, मतलब अगर कोई राजपूत है तो वो राजपूत से, कोई डोम है तो वो डोम के लिए, कोई चमार है तो वो चमार के लिए, कोई दुसाद है तो वो दुसाद के लिए, हरिजन हरिजन के लिए, ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए, ये सब एक दूसरे के पीछे भागने लगे और एक साथ होने लगे, ऐसा कि ग्रुप चल रहा है। ठीक, तो एक कास्ट अपने आप को एक ग्रुप समझने लगा कि हम एक यूनिट हैं, एक इकाई हैं, हमें तोड़ा नहीं जा सकता। और इस बेस पे, मतलब अलग अलग जातियों के आधार पे भी अलग अलग पार्टियां बनाई गई। अब हम देखेंगे कि कैसे ये कास्ट धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एंटर कर गया। पहला तरीका, कास्ट लॉयलिटीज। कास्ट लॉयलिटीज मतलब वफादारी अपनी जाति के प्रति। जैसे बिहार, यूपी, यहाँ पे जो भी यादव या कुर्मी है, जब इनके नेता खड़े होते हैं तो इनको लगता है कि ये भाई बंधु हमारे जाति से निकले हुए हैं, इसलिए वो उनको ही वोट देते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन वो उनके जाति के हैं इसलिए उनको वोट जाता है। फॉर एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव, क्योंकि बिहार में यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसके कारण लगभग लालू के पास 15 साल तक ये गद्दी बनी रही। तमिलनाडु में भी इसी प्रकार जातिवाद के ऊपर ही पॉलिटिक्स होता है और जाति के अनुसार ही टिकट दिया जा सकता है। मतलब जिस जाति का ग्रुप डोमिनेशन में होता है, जिस जाति की ग्रुप ज़्यादा फैली होती है, उस जाति के लीडर को ही बाहुबली को ही टिकट दिया जाता है ताकि वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर पाए। दूसरा तरीका है कास्ट एसोसिएशन, मतलब कास्ट के आधार पर संगठन बनाना। जैसे अगर उनमें से देखें तो उनमें बहुजन समाज पार्टी किसने बनाई थी? कंसी राम ने बनाई थी। उत्तर प्रदेश में ये काम करता है बेसिकली। ये एक नेशनल पार्टी है जो बहुत सारे छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब में इसकी पार्टी है। जो किसके लिए बनाई गई थी ये पार्टी? बैकवर्ड ओबीसी, एसटी, एससी, इन सब के लिए बनाई गई थी। ठीक, इनके लिए ही काम कर रहा था, जो कि कंसी राम ने बनाया था। नाम सुन के भी आपको पता चल रहा है। और कंसी राम ने 2001 में इस पार्टी की जिम्मेदारी मायावती को पकड़ा दी। अब मायावती ही इनकी सब दारोमदार चलाती हैं। और तो ये पार्टी को ध्यान में रख के बनाया गया था ताकि ये किसकी बात करेगी? एससी एसटी ओबीसी, इन सब की बात करेगी और इनका ही रिप्रेजेंटेशन करेगी। अच्छा, अगली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बनाया रामदास अथावले ने 1999 में। रामदास अथावले वही इंसान जो अभी फेमस हो रखे हैं गो कोरोना गो वाला स्लोगन देने वाले इंसान। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ पर बनाई है? महाराष्ट्र में। ये एक स्टेट पार्टी है जो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए बात करता है, मतलब इनकी आइडियोलॉजी अंबेडकर वाली है। तो ये उस पिछड़े वाले वर्ग को ही बात करता है और पिछड़े वर्ग को ही सामने लाने की बात करता है। अच्छा, ये एससी एसटी और ओबीसी हमेशा एक वोट बैंक के रूप में काम करें। आज़ादी के बाद से एससी एसटी और ये जो पिछड़ी जाति वर्ग है, इन्होंने हमेशा वोट बैंक के रूप में काम किया है। किसके लिए? कांग्रेस के लिए काम किया है। और कांग्रेस हमेशा एक फील्डिंग करता था, मतलब इस जाति का वहाँ पे प्रमुखता है, मतलब उस जाति का वहाँ पे प्रमुखता है, तो उस जाति के कैंडिडेट को वहाँ फील्ड में लगा देते हैं। तो वो क्या करेगा? वो वोट लाएगा। और ये वाली टेक्निक हमेशा उस वक्त चल रही थी, मतलब जातिवाद का टेक्निक, मतलब ये इस जाति का और वहाँ का बाहुबली है तो उसको खड़ा कर देते हैं, और इस हिसाब से ही चल रहा था सब। जैसे आप देखें कास्ट कोअलिशन, बिहार में जो पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा, उस वक्त बिहार में अपर कास्ट का ही बोलबाला था। अपर कास्ट मतलब राजपूतों का, ब्राह्मणों का, इनका ही बोलबाला था और यही शासन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम, वो एक पिछड़ी जाति के वर्ग के थे। तो यहाँ पे पिछड़ी जाति के वर्ग को, मतलब पिछड़ी जाति के साथ और ऊंची जाति के साथ, इन दोनों का संबंध बनाया और फिर शासन किया। 1961 तक श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री रहे बिहार के। तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को जब भी जरूरत थी
तो अपर कास्ट हो या बैकवर्ड कास्ट हो, उनको साथ में लाने का कोई मौका छोड़ती नहीं थी। अगली बात करते हैं। अच्छा, अभी कामराज नगर की बात करते हैं। कामराज नगर कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं, जो कि एक खुद के एक बैकवर्ड से आने वाले इंसान हैं। उनको, कामराज को कांग्रेस ने पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया, मतलब कांग्रेस का पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। कब? जब तमिलनाडु में चुनाव होने वाले थे तब। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो भी तमिलनाडु में बैकवर्ड कास्ट का इंसान होगा उसके ध्यान में ये जरूर आएगा कि हमारी जाति का इंसान कांग्रेस का पार्टी प्रेसिडेंट है, तो हम किसको वोट देंगे? ऑब्वियसली उसको वोट देंगे। इस हिसाब से उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई में वहाँ पर सरकार बनाई। सिर्फ यही पार्टी नहीं, और भी जो मेजर पार्टीज हैं भारत के, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI एंड CPM अलग अलग हैं। CPI ये कम्मा जाति से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश के कम्मा जाति, मतलब इनमें जो मेन काम करने वाले लोग थे वो कम्मा जाति के लोग थे। और अगर केरला में देखें तो केरला में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, वो भी नय्यर लोगों की थी, मतलब हर जाति अपने अपने लिए एक पार्टी चुन के रखी थी। तो कैसे कास्ट और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं आते? तमिलनाडु में DMK एंड AIDMK जो दो पार्टीज हैं, ये सिर्फ ब्राह्मणों को विरोध करने के लिए बनाई गई थी, मतलब इनका टारगेट था कि ब्राह्मणों को गद्दी से हटाई जाए और हम गद्दी में पहुंचे। मतलब बैकवर्ड क्लास कास्ट की तो बात करेंगे ही, लेकिन ब्राह्मणों की बात नहीं करेंगे और ब्राह्मणों को नीचे उतारेंगे, मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह के कारण था। अच्छा, अभी एक और बात करते हैं। 1978 में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। वो एक बारबर, मतलब हजाम की जाति से आते थे। वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 26% गवर्नमेंट सीट्स का रिजर्व कर दिया SC और OBC के लिए, मतलब जिस जाति से वो आते हैं। तो ऑब्वियसली जो जिस जाति से आता है वो उस जाति की काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब आज़ादी से पहले जब बाहुबली लोग थे, जब अपर कास्ट के लोग थे, वो अपने लिए काम कर रहे थे, अपनी जाति के लिए काम कर रहे थे, अपना प्रसरव बढ़ा रहे थे, ये भी अपना बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ न्यूट्रलिटी की कोई बात नहीं आ रही है। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी जाति को क्या कहेंगे, प्रोग्रेस कराई, आगे बढ़ाया। एक बार 1990 में हमारे मुख्यमंत्री थे VP सिंह। वीपी सिंह ने क्या किया था, मंडल कमीशन का एक रिपोर्ट था जिसके कारण ओबीसी लोगों को और रिजर्वेशन की जरूरत थी, ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए था। तो मंडल कमीशन का इन्होंने जो लोकसभा में टेबल किया और ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन दिया। वीपी सिंह खुद एक अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ओबीसी को भी एक रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जॉब मिलनी चाहिए, जिसकी उन्होंने तारीफ किया कि उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन इससे जो अपर कास्ट के लोग थे वो बहुत क्षोभित हुए और इसके कारण उनकी सरकार बहुत जल्दी गिर गई और बहुत प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आया कि जब ओबीसी लोगों के लिए ही ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट लाया गया था तो उन लोगों ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया या फिर कभी भी तारीफ नहीं की। और इसके कारण कास्ट और पॉलिटिक्स, आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में घुस गया और ये हमेशा बना रहा। आज भी हम जब वोट देने जाते हैं तब हमेशा ये सोचते हैं कि ये किस जाति का है, या जब भी लोगों से हम नाम पूछते हैं तो नाम पूछने से पहले हम नाम तो पूछते हैं, हम पूछते हैं, अगर मान लो जैसे मेरा नाम अमित, तो किसी ने पूछा कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला अमित, आगे क्या है। ये जो टेंडेंसी है किस बात को जानने के लिए, मेरी जाति जानने के लिए, ये भारत की नुक्कड़ से लेके राष्ट्रपति तक चलती है और भारत की राजनीति कास्टिज्म पर बेस्ड हो चुकी है बहुत हद। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।